हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रिचा भट्ट और मैं अपने चैनल में आपको DIY, क्ले वर्क, पेंटिंग, डेकोरेशन, इन सब से रिलेटेड वीडियोस भेजती हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने ये किचन का एक होल्डर था जिसे डेकोरेट किया है। आप भी अपने घर में इस तरह की पुरानी चीज़ों को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये होल्डर ले लिया है। ये किचन में मैं यूज़ करती थी लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैं सबसे पहले इस पर वाइट पेंट कर दूँगी। वाइट पेंट इसलिए किया है, आप कोई और कलर भी कर सकते हैं, वाइट कलर भी कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं। बेस देने के लिए, ताकि आपका लॉन्ग टर्म तक ये चलता रहे, इसीलिए हमें बेस कलर देना ज़रूरी होता है। बेस कलर देने के बाद मैं यहाँ पर एक चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ। ब्लू कलर से मैं इसको कलर कर दूँगी। तो वीडियो में हम आगे बढ़े तो उससे पहले मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो और बनाती रहूँ और मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने मोल्डेड क्ले ले लिया है। इन दोनों को हम आपस में मिक्स कर देंगे और कुछ इस तरह से डो बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक चॉपबोर्ड बना रही हूँ, क्योंकि किचन के लिए हम बना रहे हैं तो किचन से रिलेटेड ही आइटम बनाएंगे। तो चॉपबोर्ड बनाने के बाद, इसको अच्छे से शेप देने के बाद, मैं यहाँ पर थोड़ी लाइंस मार दूँगी ताकि थोड़ा वुडन का लगे। ऐसे ही चॉपबोर्ड मैंने 3 और बनाए हैं और तीनों में मैंने कुछ ना कुछ किचन से रिलेटेड आइटम पुट करी है उसमें। जैसे इसमें मैंने शेफ़ बना दिया है, दूसरे में मैंने कुछ और चीज़ बनाई है, वेजिटेबल से रिलेटेड बनाया है, और तीसरे में फ्रूट से रिलेटेड। तो चलिए, हमारा शेफ़ बन के रेडी हो गया, उसको मैं ड्राई होने के लिए रहने दूँगी। दूसरे चॉपबोर्ड में भी मैंने सेम वैसे ही किया है, वुडन टेक्सचर देने के लिए। और इसमें मैंने वेजिटेबल में ये क्यूट सा मटर बनाए हैं। ये बहुत ही इजी है बनाना, 2 राउंड बनाने हैं और सिंपल उसमें प्रेस करके ये सिंपली बन जाएगा। थर्ड में फ्रूट में मैंने बनानास बनाए हैं और ये तीनों अब ड्राई भी हो चुके हैं। ड्राई होने के बाद मैं इनमें कलर कर दूँगी। चॉपबोर्ड को मैंने वुडन टेक्सचर देना था तो थोड़ा मैंने लाइट ब्राउन रखा है, थोड़ा डार्क रखा है, और ऐसे ही तीनों में कर दिया है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कर सकते हैं। तो देखा कितना क्यूट सा लग रहा है ना। तो इसी तरह तीनों में मैं कलर फिल कर दूंगी। इन तीनों को कलर करने के बाद, स्टिक करने के बाद, मैं साइडों में थोड़ा जग स्पेस बचा हुआ था जो थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र शीट का यूज़ करूँगी। सिंपली इसको कट करने के बाद ऊपर की फिल्म हटानी होती है, ये प्लास्टिक की, इसको फिर स्टिक करना होता है और स्पंज की हेल्प से थोड़ा पानी में भिगा के इसको डैप करना होता है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और बस इसके बाद इसकी जो ये एक्स्ट्रा पेपर होता है उसको हटा देंगे और हमारा किचन होल्डर रेडी हो जाएगा। तो अपनी अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।